गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा, आपका हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 9 का रिवीजन हो रहा है, तो आज का रिवीजन वर्क है क्वेश्चन आंसर। तो आप सबको अपनी लिटरेचर कॉपी में ही क्वेश्चन आंसर करना है। आप क्वेश्चन लिख के भी आंसर कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ओके बेटा। बेटा, आज आपका रिवीजन है चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्लास वर्क, डेट, लेसन नंबर और लेसन नेम, रिवीजन वर्क। ओके, तो आज का रिवीजन है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर वन है, स्वर्ण कुमार की कहानी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। स्वर्ण कुमार की कहानी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र से क्या इच्छा प्रकट की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री है, श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई। तो बेटा, ये आपके 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रवण कुमार की कहानी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या इच्छा प्रकट की थी। क्वेश्चन नंबर 3, श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई। ओके, तो बेटा आप केवल आंसर लिखेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी में। आपका होमवर्क है आपका हिंदी लिटरेचर में लेसन टेन का आपको शब्द अर्थ याद करना, यानी वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है। ओके, शब्द अर्थ याद करना, लेसन 10 का आपको शब्द अर्थ याद करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।